हेलो टेकुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ टेकुक फैन फिक्शन वन नाइट स्टैंड विद अननोन पर्सन विदाउट नोइंग ही इज हिज न्यू प्रोफेसर के बोनस पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही तेई प्रोफेसर की केबिन से बाहर आया, जिमिन उसे अपने साथ रूफटॉप में लेकर आता है। जिमिन टीजिंग टोन में कहता है, नाउ टेल मी मिस्टर जियोन, तुम्हें अपने साथ उनके केबिन में क्यों लेकर गया था? जिमिन के वर्ड सुनते ही ते ब्लाश हो जाता है। तेंग शाइली अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर रहा था। जिमिन कहता है, डोंट टेल मी क्या प्रोफेसर जियोन ने तुम्हें प्रोपोज किया है? क्या उन्हें सब कुछ याद है? तेयंग शाइली अपना हेड शेक करता है। जिमिन कहता है, नहीं, मुझे सब कुछ क्लियरली जानना है। नेक्स्ट डे तेयंग टाइम से पहले ही कॉलेज में आ जाता है, क्योंकि वो अपने हॉट फिजिक्स प्रोफेसर मिस्टर जियोन, जो अभी उसका बॉयफ्रेंड है, उनसे मिलने के लिए ते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। ते फास्ट क्लास ख़त्म होने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करने लगता है। 45 मिनट्स तक फास्ट क्लास चलता है। इसके बाद जैसे ही क्लास एंड होने की घंटी बजता है, ते लॉन्ग ब्रीथ लेकर क्लास डोर की तरफ बेसब्री से देखने लगता है। जोंगकुक के अभी तक क्लास में एंट्री नहीं हुई। अभी से क्लास में गर्ल्स जोंगकुक को लेकर गॉसिप करने लगती है। उनमें से कई लड़कियां प्रोफेसर जियोन के लिए गिफ्ट और फ्लावर लेकर आया था। जैसे ही जोंगकुक क्लास में एंटर किया, सबका नज़र बस उसे चेकआउट करने में ही बिजी हो जाता है। जोंगकुक टेबल के ऊपर गिफ्ट और फ्लावर देख अपने आईब्रोज रेस कर कोल्ड टोन में स्टूडेंट के तरफ देखते हुए पूछता है, टेल मी यह सब कुछ किसने रखा है? जिसने भी किया, अभी के अभी इसे यहाँ से हटाओ। दोबारा मेरी क्लास में ऐसी हरकतें की तो मैं एक एक को ढूंढकर उसे कॉलेज से बाहर फेंकवा दूंगा। सब आपस में एक दूसरे से विस्पर करके बात करने लगता है। यार, हमने सोचा मिस्टर जियोन यंग है और हैंडसम भी, उनके साथ थोड़ा फ्लर्ट करूंगी, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक और खारूस निकला। कोई भी सामने नहीं आ रहा था, तो जोंगकुक प्यून को बुलाकर टेबल से सब उठाकर बाहर फेंकने के लिए कह देता है। जोंगकुक के एंग्री साइड देखकर ते और जिमिन ऑलरेडी शॉक के वजह से कोमा में चला गया है। जोंगकुक सीरियस टोन में कहता है, अटेंशन एवरीवन, अभी अभी मैंने एक न्यूज़ सुना है, 2 दिन बाद एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो आप टाइम वेस्ट ना करके आज की लेसन स्टार्ट करें। जोंगकुक क्लास में अपना लेक्चर दे रहा था, तभी उसका ध्यान तेयंग पर पड़ता है, जिसका ध्यान जोंगकुक के लेक्चर पर नहीं था। तेयंग बस विदाउट ब्लिंकिंग जोंगकुक को एडमायर करने में खोया हुआ था। जोंगकुक तेयंग के अटेंशन स्टडी में खींचने के लिए लाइटली कफ करता है, लेकिन तेई उसे नोटिस नहीं किया। तभी जोंगकुक अपने स्पॉट पर से चलकर तेयंग के सीट के पास आकर उसके शोल्डर पर टैप करके कोल्ड टोन में कहता है, मिस्टर किम स्टैंड अप। जोंगकुक के टच से तेयंग के बॉडी फ्लिंच हो जाता है। तेई जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है। तेयंग स्माइल करके कहता है, यस मिस्टर जियोन, लेकिन जोंगकुक के फेस पर कोई स्माइल नहीं था। जोंगकुक सीरियस टोन में कहता है, सो मिस्टर किम तेयंग, तुम्हारे लिए स्टडी कितना इम्पोर्टेंट है? मेरा मतलब, तुम कॉलेज क्यों आते हो? सपने देखने के लिए? जोंगकुक के सेंटेंस सुनकर सभी स्टूडेंट्स तेयंग के ऊपर हंसने लगता है। तेयंग अपने हेड नीचे करके कहता है, सॉरी मिस्टर जियोन। जोंगकुक कहता है, अभी अभी मैंने जो लेक्चर दिया, क्या तुमने उसे सुना? क्या तुम उस टॉपिक पर कुछ बता सकते हो मुझे? तेई अगेन सॉरी बोलता है। जोंगकुक एज ए प्रोफेसर बहुत स्ट्रिक है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी सॉफ्ट नहीं था। जोंगकुक कहता है, आज के लिए तो मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ देन आई विल पनिश यू, सिट डाउन। जोंगकुक लेक्चर देने में बिजी हो जाता है, लेकिन अब तेई उससे भी ज़्यादा बिजी हो जाता है जोंगकुक के एवरी सिंगल वर्ड को ध्यान से सुनकर उसे नोट करने में। तेयंग एक सेकेंड के लिए भी अब जोंगकुक को नहीं देख रहा था, जिसे जोंगकुक को अब अंदर से बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील करवा रहा था। जोंगकुक चलकर तेयंग के पास आकर खड़ा हो जाता है। अचानक जोंगकुक का नज़र तेयंग के थाई पर जाता है। तेयंग के मिल्की सॉफ्ट लेग्स देखकर जोंगकुक अपने इनर चीक्स पोक करने लगता है। तभी तेयंग जोंगकुक के तरफ देखता है। दोनों के आपस में आई कॉन्टैक्ट होते ही जोंगकुक जल्दी से अपने आप को नॉर्मल करने की ट्राई करता है, ताकि क्लास में तेयंग के लिए सिचुएशन थोड़ा अनकंफर्टेबल ना बन जाए।
क्लास एंड होते ही तेयंग जिमिन के साथ कॉलेज कॉरिडोर में वॉक करने लगता है। तभी उसे नामजून का कॉल आ जाता है। तेई कॉल पिक करके अपने डैड से बात करने के बाद कहता है, जिमिन हियोंग, डैड मुझे लेने आ रहा है, कल मिलते हैं। जिमिन तेई को गले लगाकर बाय बोलता है और ये सब कुछ जोंगकुक क्लासरूम के विंडो से देख रहा था। जिमिन के साथ क्लोजनेस से जोंगकुक को जेलस फील हो रहा था। तेयंग कुछ भी करके एग्जाम में फेल नहीं होना चाहता था। ते खुद को कमरे में बंद कर दिन रात एग्जाम की तैयारी करने लगता है। तभी डोर पर नॉक होता है। तेयंग डोर ओपन करके कहता है, डैड मैं स्टडी कर रहा हूँ ना, आप क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? मैं एग्जाम में फेल नहीं होना चाहता, खासकर मिस्टर जियोन के पेपर में तो बिल्कुल भी फेल नहीं होना चाहता। नामजून कहता है, ए मिस्टर जियोन कौन है? तेयंग कहता है, न्यू फिजिक्स प्रोफेसर डैड, वो स्टडी को लेकर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक है, आज उन्होंने मुझे पूरी क्लास के सामने डांट दिया। नामजून कहता है, क्या? मैं कल ही तुम्हारे कॉलेज में जाकर प्रिंसिपल से उनके खिलाफ शिकायत करूँगा, उसने मेरे बेटे को डांटा कैसे? तेयंग इमिडिएटली कहता है, नो डैड, ही इज़ ए नाइस पर्सन। नामजून कहता है, नाइस पर्सन? हाँ, क्या तुम? तेयंग अपने डैड को बीच में रोकते हुए कहता है, डैड मिस्टर जियोन एक प्रोफेसर है और ये उनका काम है, वो बस अपना काम कर रहा है, इसमें शिकायत क्यों करना? नामजून तेयंग के फोरहेड पर किस करके कहता है, ओके बेबी, तुम स्टडी करो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लेकर आया था तुम्हें देने के लिए, इसे पी लेना। तेयंग बेबी स्माइल करके कहता है, ओके थैंक यू डैडी। दो दिन से ते कॉलेज नहीं जा रहा था और उसका फ़ोन भी बंद था, तो जोंगकुक तेई को ना देखकर पागल हो रहा था। ऑल्सो जोंगकुक तेई से बात करने के लिए उसे बहुत बार कॉल या मैसेज भी सेंड करता है, लेकिन तेयंग के तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया, तो जोंगकुक उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्ड हो जाता है। एग्ज़ाम को तेई कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया था, क्योंकि तेई नहीं चाहता था जोंगकुक के सामने उसका फेस लॉस हो। तेयंग टाइम पर ना सोने और ना खाने के वजह से, खाना ज़्यादातर टाइम स्किप करने के वजह से बीमार पड़ जाता है। तेयंग जैसे तैसे जिमिन के साथ एग्ज़ाम देने के लिए आता है। जिमिन कहता है, तेयंग आई थिंक तुम्हें घर पर रहकर रेस्ट करना चाहिए था, अंकल प्रिंसिपल से बात कर लेते तो प्रिंसिपल बाद में अलग से तुम्हारा एग्ज़ाम ले लेता। तेयंग मन ही मन कहता है, नहीं, मुझे खुद को प्रोफेसर जियोन के सामने प्रूव करना है। एग्ज़ाम स्टार्ट होते ही जो टीचर क्लास में रहकर स्टूडेंट को गार्ड करने वाला था, जोंगकुक अंदर आकर उनके कान में कुछ कहता है, जिसे वो टीचर क्लासरूम से बाहर चला जाता है और अब जोंगकुक गार्ड करने लगता है। तेयंग का सारा फोकस राइटिंग पर था। जोंगकुक बार बार घूमकर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही उसने देखा ते अपना राइटिंग ख़त्म कर लिया है, जोंगकुक तेयंग के हाथ से पेपर खींचते हुए कहता है, ए क्या है मिस्टर किम तेयंग? जोंगकुक के लाउड वॉइस से ते बहुत ज़्यादा डर जाता है। जोंगकुक कहता है, ए तुमने क्या किया है? तेयंग कहता है, क्या किया मैंने? प्रोफेसर जियोन आपने जो क्लास में लेसन सिखाया था मैंने एग्जैक्टली ऐसा ही किया। जोंगकुक कहता है, नो यू डिड रॉन्ग, तुमने बहुत गलत किए है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तुम मेरे साथ मेरी केबिन में चलोगे, तुम्हें और अच्छे से सीखने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जिमिन कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ प्रोफेसर जियोन के कैबिन में चलता हूँ। तेयंग उसे मना कर देता है। जिमिन कहता है, ओके तो फिर मैं बाहर कार में तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा। ते जिमिन के बात पर नोट कर चला जाता है। जोंगकुक अपने केबिन में बहुत ही बेसब्री से तेयंग के लिए इंतज़ार कर रहा था। तेई बाहर से डोर पर नॉक करके पोलाइटली पूछता है, मे आई कम इन सर? जोंगकुक डोर ओपन कर एकदम से तेयंग का हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर खींच लेता है, जिसे तेई डर जाता है। जोंगकुक तेई को वॉल के पास पीन कर उसे अपने दोनों हाथों से कैच करके कहता है, टेल मी तुमने ऐसा क्यों किया? तेयंग को लगा जोंगकुक स्टडी के बारे में बात कर रहा है। तेयंग घबराई हुई आवाज़ में कहता है, लेकिन सार मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, इनफैक्ट आपने जो सिखाया मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। जोंगकुक अपना एक हाथ तेयंग के फेस पर रख उसके फेस को टच कर उसके हेयर्स को उसके एआर के पीछे टक करके कहता है,
तुम अभी भी गलत हो बेबी बॉय, तुम बार बार मुझे मिस्टर जियोन और सार कहकर बुला रहे हो जबकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तेयंग नर्वस टोन में कहता है। सॉरी प्लीज मिस्टर जियोन, लीव मी, कोई हमें देख लेगा, जोंगकुक कहता है। नो अब तो छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता, कॉल मी जोंगकुक, इसके बाद मैं छोड़ने के बारे में सोचूंगा, तेयंग शायली नीचे देखते हुए कहता है। प्लीज़ जोंगकुक लीव मी, जोंगकुक तेयंग का हाथ छोड़कर डोर अंदर से लॉक कर फिर से तेयंग को कमर से पकड़कर उसे अपने करीब पुल कर वर्डली पूछता है, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम दो दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रहे थे बेबी बॉय, मैंने तुम्हें कितना कॉल किया, मैसेज भेजा, ना तुमने मेरी किसी भी कॉल का जवाब दिया और ना ही मैसेज का रिप्लाई दिया, आज अगर तुम नहीं आते तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे घर तक आ जाता, तेयंग कहता है। वो मैं एग्ज़ाम में फेल नहीं होना चाहता था, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में मैंने खाना स्किप कर दिया था और रेस्ट के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, इसलिए मुझे बुखार हो गया है और अभी भी मुझे फीवर है। जोंगकुक अपने दोनों हाथ तेयंग के फेस पर रख उसके फेस को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर अपने लिप्स तेयंग के लिप्स के साथ अटैच कर उसे जेंटली किस करने लगता है। तेयंग अपना आंखें बंद कर अपने दोनों हाथ से जोंगकुक के शर्ट टाइटली होल्ड कर लेता है। तेयंग को किस कर जोंगकुक ते की वार्मनेस को महसूस करने लगा था, किस ज़्यादा टाइम तक स्टे नहीं हुआ। जोंगकुक किस ब्रेक कर ते को टाइटली अपने बाहों में होल्ड कर लेता है। तेयंग भी जोंगकुक को कस कर पकड़ लिया था। कुछ सेकंड बाद जोंगकुक को रोने की आवाज़ आता है और उसे अपने चेस्ट पर वेट सा महसूस होता है। जोंगकुक वर्डली पूछता है, बेबी बॉय तुम रो क्यों रहे हो, क्या मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, तेयंग रोते हुए कहता है। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया और इसीलिए मैं बीमार होने के बाद भी तुमसे मिलने और तुम्हें एक बार देखने के लिए कॉलेज आ गया। जोंगकुक आई फील नर्वस, जोंगकुक फिर से तेयंग के लिप्स कैप्चर कर उसे किस करते हुए कहता है। प्लीज़ डोंट क्राई माई लव, आई नो यू मिस मी, तुम्हें फीवर है, तुमने मैसेज करके मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तुमसे मिलने घर आ जाता, तेयंग कहता है। फीवर बहुत ज़्यादा हाई था इसलिए मुझे होश नहीं था। अब जोंगकुक तेयंग के नेक पर किस करता है और उसके फेस की एवरी सिंगल कॉर्नर पर किस करने लगता है। तेयंग कहता है, जोंगकुक की ये तुम क्या कर रहे हो, जोंगकुक कहता है, मेरा बेबी बॉय बीमार है, दैट्स व्हाई मैं तुम्हें मेडिसिन दे रहा हूँ ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तेयंग जोंगकुक के बात पर नोट करता है। जोंगकुक तेयंग को कैरी कर टेबल के ऊपर बिठा कर तेयंग के शर्ट के दो बटन ओपन कर उसके नेक पर किस कर वह बाइट कर लेता है। तेयंग सॉफ्टली स्क्रीम करके कहता है, आउच जोंगकुक की यू गिव मी हिकी, जोंगकुक तेयंग के लिप्स से लिप्स ब्रश करते हुए कहता है, बेबी बॉय इसे हिकी का नाम मत दो, आई गिव यू माई लव मार्क, ये कहकर जोंगकुक तेयंग को किस करते हुए स्लोली तेयंग के शर्ट के अंदर अपना हाथ स्लाइड कर उसके चेस्ट को रफ करने लगता है। तेयंग एक हाथ से जोंगकुक के हेयर्स टाइटली होल्ड कर मौन करने लगता है। धीरे धीरे जोंगकुक तेयंग के लिप्स को छोड़ उसके चेस्ट एरिया में किस कर वह पर्पल कलर की हिकी छोड़ने लगता है। तेई बस हेल्पलेसली मौन कर जोंगकुक के नाम ले रहा था। जोंगकुक तेयंग के फेशियल एक्सप्रेशन देखते हुए उसके निपल पर सॉफ्ट सॉफ्ट लिटिल किसेस देने लगता है जिसे तेई और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तेयंग मैस होकर मौन कर रहा था। तेयंग टूटे हुए शब्दों के साथ कहता है, ऐसा मत करो कोई आ जाएगा, जोंगकुक तेयंग के ईयरलोब पर बाइट करके कहता है, लेट मी लव यू बेबी बॉय, आई मिस यू सो मच, किस करते हुए दोनों बहुत ज़्यादा हॉट फील करने लगता है। जोंगकुक अपने शाही बॉयफ्रेंड को हॉर्नी बनते हुए देखकर स्मार्क करता है। किस करते हुए अब दोनों अपना टांग का इस्तेमाल करने लगा था। जोंगकुक धीरे धीरे करके तेयंग के शर्ट के बाकी के बटन भी ओपन कर लेता है। जोंगकुक तेयंग के फ्लैट सेक्सी बिली पर अपना हाथ रख बहुत ही रोमांटिक वे में उसे टच करने लगता है। तेयंग भी अब अपने शेकिंग हैंड से जोंगकुक के शर्ट अनबटन कर उसके नेक और चेस्ट पर किस करना स्टार्ट कर देता है। तभी तेयंग का फ़ोन बजने लगता है। जोंगकुक इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट फील कर रहा था। तेयंग फ़ोन निकाल कर कॉलर आईडी देखकर इनोसेंटली कहता है, सॉरी
डैड का कॉल है और मुझे इसे पिक करना है। डैड को मेरी फिक्र हो रही होगी। जंगकुक कहता है, ओके तुम बात कर लो। कॉल कट होते ही जंगकुक तैयंग के शर्ट की सारी बटन क्लोज कर उसके हेयर्स को फिक्स कर डीप वॉइस में कहता है, बाहर तुम्हारा फ्रेंड इंतज़ार कर रहा है ना। तेज सिर हिलाकर यस कहता है। जंगकुक कहता है, उसे मैसेज भेज कर जाने के लिए कह दो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। तैयंग जंगकुक के बात मानकर जिमिन को मैसेज कर उसे जाने के लिए कह देता है। जंगकुक तैयंग का हाथ पकड़कर उसे लेकर कॉलेज से बाहर आता है। तैयंग कार में बैठकर कहता है, जंगकुक आई थिंक हमें कॉलेज में ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे मेरी फिक्र नहीं है, लेकिन तुम कॉलेज में एक प्रोफेसर हो, किसी ने हमें इस तरह से देख लिया तो तुम्हारे रेपुटेशन पे बहुत ख़राब हो जाएगा कॉलेज में। जंगकुक बानी स्माइल के साथ कहता है, माई लिटिल बॉयफ्रेंड तुम बहुत सोचते हो, आई लव यू एंड यू लव मी, मुझे बाकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे जो सोचना है उन्हें सोचने दो। कुछ दिन बाद एग्जाम की रिजल्ट आउट होता है। तैयंग 98% के साथ पास किया। इसी खुशी में नामजुन तैयंग के लिए एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में सरप्राइज डिनर पार्टी रखता है। इसमें बाहर से ज़्यादा लोग इनवाइटेड नहीं था। तैयंग के क्लोज फ्रेंड जिमिन, जेहोप, शुगा और बोगाम थे। जिमिन तैयंग को अपने साथ ब्लाइंड फोल्ड कर रेस्टोरेंट में लेकर आता है। रास्ते में तैयंग बहुत बार पूछा कि उसे कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। रेस्टोरेंट पहुँच कर जैसे ही तैयंग कार से बाहर पैर रखने के लिए जिमिन की तरफ अपना हाथ आगे करता है, तभी उसका हैंड कोई दूसरा अपने हाथ में होल्ड कर लेता है। टच बहुत ही जाना पहचाना सा लग रहा था तेई को, लेकिन तेई ये कहकर अपने दिल को समझा देता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, यह वो नहीं हो सकता, मैं पूरा टाइम उसके बारे में सोचता रहता हूँ, शायद इसीलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मेरे करीब है और अभी उसने मेरा हाथ थमा हुआ है। अंदर आते ही नामजुन तेयंग के आँखों पर से ब्लाइंड फोल्ड हटा देता है। ते स्लोली आंखें खोल जंगकुक को देखकर सरप्राइज हो जाता है। ते अपने डैड की तरफ देखता है। नामजुन अपने डिंपल वाली स्माइल देकर कहता है, बेबी तुम्हें सरप्राइज पसंद आया, आई नो तुम मिस्टर जियोन से प्यार करते हो, मिस्टर जियोन ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मुझे तुम दोनों की रिलेशनशिप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आज की डिनर पार्टी तुम्हारी एग्जाम रिजल्ट की खुशी में तो है ही, उसी के साथ मैं पार्टी तुम दोनों की रिलेशनशिप अप्रूवल के लिए भी रखा है। ती खुशी से नामजुन को हाँक करके कहता है, आई लव यू डैड। नामजुन कहता है, आई लव यू टू बेबी। अब डिनर के बाद जंगकुक ते को अपने साथ अपने घर पर लेकर आया था, वो भी नामजुन से परमिशन लेकर। जंगकुक तैयंग को अपने आर्म्स में कैरी कर किस करते हुए उसे बेडरूम लेकर आता है। जैसे ही जंगकुक ते को बेड पर रख खुद उसके ऊपर आता है, तैयंग शाहिली जंगकुक के चेस्ट पर फेस हाइड करके कहता है, तुमने डैड से क्या कहा था कि तुम मुझे घर दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाना चाहते हो, लेकिन अभी तो तुम कुछ और ही कर रहे हो। जंगकुक कहता है, माई इनोसेंट बॉयफ्रेंड तुम्हारे डैड को भी पता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ, यू आर सो इनोसेंट और तुम्हारी यही बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, एंड यू लुक सो क्यूट। तेई 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 शर्म से अपने फेस पर हाथ रख लेता है। जंगकुक तैयंग के फेस पर से उसका हाथ हटाकर उसे किस करने लगता है। किस करते हुए दोनों एक दूसरे की शर्ट अनबटन करने लगता है। अब दोनों हाफ नेकेड थे। तैयंग सेम इंटेंसिटी के साथ जंगकुक के नेक और चेस्ट पर किस कर उसे वहाँ बाइट करने लगता है। जंगकुक अपने एक हाथ से तैयंग के बोथ हैंड्स होल्ड कर डीप हस्की वॉइस में कहता है, आई वॉन्ट टू टेस्ट यू बेबी बॉय। ये सुनते ही ते जंगकुक को पीछे पुश कर बेड से उतर कर भागते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। जंगकुक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तैयंग होल मेंशन में भागते हुए कहता है, नो 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 जंगकुक की प्लीज़ आई बेग यू ऐसा मत करो, अभी पहले से ही मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, अभी तुमने कुछ किया तो मुझे डर है मेरा दिल मेरे बॉडी से बाहर आ जाएगा। जंगकुक गिगल करते हुए कहता है, ओके काम मैं कुछ नहीं करूँगा। तैयंग जंगकुक के बात पर भरोसा कर उसके पास आ जाता है और जंगकुक उसी का फ़ायदा उठाकर उसे तुरंत पकड़ लेता है और बेड पर फेंक खुद उसके करीब जाने लगता है। तैयंग जंगकुक के वेस्ट वाली साइड देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तैयंग लाउडली चिल्लाते हुए कहता है, यू लायर तुमने मुझसे झूठ बोला। और इसी के साथ ए फैन फिक्शन ख़त्म हो जाती है।
ओके गाइस, तो फिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय माई ऑल टेक कुकर बेबीज।